हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100। मुंबई कोल्हापुर रूट पर चलने वाली ट्रेन महालक्ष्मी एक्सप्रेस में मौजूद करीब 700 से ज्यादा यात्री भारी बारिश के कारण बीच में फंस गए, जिसमें 500 लोगों को निकाला जा चुका है। यात्रियों को चॉपर के मदद से निकाला गया। ट्रेन मुंबई से 100 किलोमीटर दूर वांगनी और बदलापुर के बीच तड़के करीब 3 बजे से रुकी हुई है। इस बीच सेंट्रल रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर ने बचाव दल को ट्रेन में फंसे यात्रियों को निकालने के निर्देश दिए हैं। वहीं सेंट्रल रेलवे ने महालक्ष्मी एक्सप्रेस के यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि वो ट्रेन से नीचे ना उतरें, ट्रेन सुरक्षित है। बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट के बाद उनके मंत्री शपथ लेंगे। इससे पहले कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्य के गवर्नर से दिन में अपने नेता येदुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए आमंत्रित करने का आग्रह किया गया था। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कर्नाटक में कांग्रेस की कड़ी हिदायत के बावजूद पार्टी के बागी विधायक रोशन बेग बीएस येदुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। कांग्रेस ने अपने विधायकों को येदुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के निलंबित विधायक रोशन बेग बीएस येदुरप्पा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। राज्य के 27वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले येदुरप्पा ने कहा कि वो सोमवार को अपना बहुमत साबित करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद येदुरप्पा ने कैबिनेट बैठक में 2 बड़े फैसले लिए। येदुरप्पा ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के अलावा वो लाभार्थियों को अलग से 2000 रुपए की 2 किस्त भी देंगे। इस तरह से येदुरप्पा ने राज्य के किसानों के लिए यह बड़ा फैसला लिया। रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि आजम खान की करोड़ों के जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया। आजम खान ने 30 साल के लिए जमीन लीज पर ली थी। कार्रवाई के बाद 140 बीघा जमीन आजम के कब्जे से बाहर होगी। कोसी नदी की इस जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस बना है। रेत की जमीन को आजम खान ने सत्ता में रहते हुए तमाम नियम कानून को ताक पर रखते हुए प्रशासन से यह जमीन यूनिवर्सिटी के लिए लीज पर ली थी। मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा था, जिसके बाद जांच में पाया गया कि जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए ली गई। यह जमीन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बोर्ड के सदस्यों ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की एनबीए बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक बहुत ही सकारात्मक रही। बैठक में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के महत्व, पारदर्शी रेटिंग सिस्टम और प्रसारण के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने 3 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने की तैयारी में है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है। कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर ने 3 बागी विधायकों को हाल ही में अयोग्य करार दिया है। स्पीकर के मुताबिक विधायकों ने यह गलत प्रारूप में इस्तीफा दिया था। मोइन कुरैशी केस में सना सतीश बाबू को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सना सतीश बाबू ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना पर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने अस्थाना और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। सतीश बाबू की गिरफ्तारी दिल्ली में हुई है। राकेश अस्थाना ने कहा था कि सना सतीश बाबू मोइन कुरैशी के भ्रष्टाचार का हिस्सा थे। सतीश बाबू ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर रहे राकेश अस्थाना पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। सीबीआई ने 15 अक्टूबर को 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप में राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल का आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुबह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की अभी तक पहचान नहीं हुई।
जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के शोपिया के बोना बाजार इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकी एक घर में छिपे हुए थे, जिन्होंने सुरक्षा बल को आता देख उस पर फायरिंग कर दी, जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। शोपिया के बोना बाजार इलाके में अभी भारी सुरक्षा बल तैनात है। सुरक्षा बल पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं, दोनों ओर से फायरिंग जारी है। इस दौरान सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली, सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। सावन के शुरुआती हफ्ते में ही देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में देहरादून समेत राज्य के 7 जिलों में शनिवार को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारियों को मौसम विभाग ने ये निर्देश जारी किए हैं। भारत के आतंकवाद विरोधी कानून में प्रस्तावित संशोधनों के लागू होने के बाद सबसे पहला शिकंजा हाफिज सईद और मसूद अजहर पर कसने की तैयारी है। इस कानून के तहत इन्हें सबसे पहले आतंकवादी घोषित किया जाएगा। बता दें कि गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हो गया है, अब इसे राज्यसभा में पास होना बाकी है। बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ था और इसके विरोध में कांग्रेस, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस ने बिल के विरोध में लोकसभा से वॉकआउट किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा का विधानसभा चुनाव से पहले नड्डा का अहम दौरा है, जिसे लेकर रोहतक में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम खट्टर सहित प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे, जिसमें 27 और 28 जुलाई को बीजेपी के मिशन 75+ पर मंथन किया जाएगा। शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक विधायकों और सांसदों के साथ बैठक होगी। शाम 7 से लेकर 8:30 बजे तक कोर ग्रुप की बैठक होगी। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य से मुलाकात की। दरअसल सीएम ने नेपाल के राजदूत से 3 दिसंबर से कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में नेपाल को भागीदारी देश बनने की पेशकश की है। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार पिछले 3 साल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। इस आयोजन में किसी न किसी नए देश को आमंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को श्रीमद भागवत गीता पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेपाल से श्रद्धालुओं और स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने सुनीता दुग्गल का मार्गदर्शन किया कि एक नवनिर्वाचित सांसद को कैसे काम करना चाहिए। साथ ही पीएम ने हरियाणा की जानकारी मिली और हरियाणा के बारे में विस्तार से चर्चा की। पीएम ने सुनीता दुग्गल को कहा कि लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करना है और सिरसा के विकास के लिए काम करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को पंचकुला में राज्य स्तरीय सक्षम सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम खट्टर ने कहा कि आज का दिन शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रदेश के 119 खंडों में से 7 खंड सक्षम और 5 खंड सक्षम प्लस घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब अभिभावक प्राइवेट स्कूलों से निकलकर बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। सीएम खट्टर ने सम्मान समारोह को संबोधित किया। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला 5 अगस्त को होने वाले इनसो का स्थापना दिवस का निमंत्रण देने के लिए फरीदाबाद पहुंचे। दिग्विजय चौटाला इन्होंने महाराणा प्रताप भवन से पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और चुनावी अभियान को आगे चलाने को लेकर रणनीति बना रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जो लोग लगातार जेजेपी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं वो जल्द ही पार्टी में वापस शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो लहर थी उसका 1% हिस्सा भी विधानसभा चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि दोनों चुनाव बिल्कुल अलग हैं। बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। विधानसभा में जेजेपी की सरकार बनने के बाद 75% आरक्षण नौकरी में 75% आरक्षण देने का काम करेंगे। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला कैथल के कलायत पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि दूषित पानी पीने की वजह से हरियाणा के आम लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद पूरे हरियाणा के लिए साफ पेयजल का इंतजाम किया जाएगा। दुष्यंत ने कहा कि हमारे परिवार कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर महंगे अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश की खुशहाली और संपन्नता पर ब्रेक लग गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी सरकार बनने पर हर 20 गांवों पर एक मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की जाएगी, जो गांव-गांव घूमकर लोगों का इलाज करेगी। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को जल्द उपचार मिलेगा और शहर न जाने की वजह से उनका वक्त और पैसे बचेंगे। गर्मी की मार सिर्फ भारत में ही नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि दुनिया के कई देश इससे खासे परेशान रहते हैं। अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस समेत यूरोप के कई शहर उबल रहे हैं और तापमान 40 के पार जा रहा है। यही हाल जापान की राजधानी टोक्यो का भी है, जहां अगले साल इसी जुलाई में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का आयोजन होना है। अगले साल यानी 2020 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इस साल जुलाई में जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उससे माना जा रहा है कि अगले साल भी ये महीना गर्मी के लिहाज से न सिर्फ मेजबानों बल्कि मेहमानों को भी खूब बुलाएगा। एक साल आगे के मौसम के बारे में भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड पिछले कुछ सालों का रहा है उससे लगता है कि अगले साल की जुलाई में भी काफी गर्मी पड़ने वाली है। यमुनानगर में सोशल मीडिया पर रूसी महिला से प्यार कर नकली शादी करने का मामला सामने आया है। दरअसल पंचकुला में रहने वाला युवक रूसी महिला से नकली शादी कर उससे $14,606 यानी कि 10 लाख रुपए लेकर बीच सड़क पर उसे छोड़कर फरार हो गया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दी। फिलहाल पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की छानबीन में जुट गई। बहादुरगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से 12 साल की बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। गंभीर हालत में बच्ची को बहादुरगढ़ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। बता दें कि हादसा बहादुरगढ़ के लाइनपाल क्षेत्र में स्थित विकास एनक्लेव में हुआ, जहां बच्ची खाना खाने के बाद बारिश में नहाने के लिए अपने घर पर गई थी। यमुनानगर में युवा उद्योगपति आशीष गर्ग ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। दरअसल आशीष गर्ग ने अमेरिकन ब्रेस्ट चिकन के नाम से होटल की फ्रेंचाइजी शुरू की थी। मधु चौक के पास इस होटल का काम शुरू करवा रहे थे। परिजनों का कहना है कि रात को सभी खाना खाकर सोए थे, जब सुबह आशीष को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। वहीं डुप्लीकेट चाबी से कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो आशीष का शव पंखे से लटका हुआ था। मामले में पुलिस कह रही है कि सुसाइड करने की कोई वजह सामने नहीं आई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की जांच में जुट गई। देश की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी को इस तिमाही में बड़ा झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 27.3% कम रहा। वित्त वर्ष 2018-19 की पहली तिमाही में 1,975.3 करोड़ रुपए के मुकाबले 2019-20 की अवधि में मारुति सुजुकी का मुनाफा 27.3% की गिरावट के साथ 1,435.5 करोड़ रुपए रह गया। आपको बताएं, कंपनी ने कहा है कि बिक्री में कमी और अवमूल्यन खर्च में वृद्धि के कारण निवल लाभ में गिरावट हुई। मारुति सुजुकी ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने आलोच्य तिमाही के दौरान 4,02,594 वाहनों की बिक्री, जो कि पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 17.9% कम है। योग गुरु रामदेव की अगुवाई वाला पतंजलि समूह अब तक अपने सबसे बड़े अधिग्रहण में खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया का मालिक बनने जा रहा है। राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण ने रुचि सोया के लिए पतंजलि के 4,350 करोड़ रुपए के संशोधित बोली को मंजूरी दे दी है।
पहले इस खरीद के दौर में कंपनी अदानी विल्मर भी थी, लेकिन उसके बोली से हटने के बाद रुचि सोया के लिए पतंजलि एकमात्र बोलीदाता रह गई थी। बता दें कि इस कंपनी के ऊपर करीब 9,345 करोड़ रुपए का कर्ज है। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए परेरा की 111 रन की पारी से 8 विकेट पर 314 रन का मजबूत स्कोर बनाया। श्रीलंका ने पहले वनडे क्रिकेट मैच में शुक्रवार को बांग्लादेश को 91 रन से हराकर अपने स्टार लसिथ मलिंगा को जीत से विदाई दी। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मलिंगा दुनिया के 9वें बॉलर बने और इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। श्रीलंका के स्टार गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैच के सीरीज का पहला मैच खेलकर अपने वनडे को अलविदा बोल दिया। मेजबान टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 4 दिनों का एकमात्र टेस्ट मैच 143 रनों से जीत लिया। मैच के तीसरे दिन 182 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए आयरलैंड टीम मेज 38 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में आयरलैंड पर धमाकेदार जीत हासिल कर इंग्लैंड ने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। दरअसल आयरलैंड की टीम ने इंग्लैंड को टेस्ट की पहली पारी में 85 रन पर समेट दिया था, जिससे क्रिकेट की दुनिया में इंग्लैंड की खूब किरकिरी हुई थी। इंग्लैंड की इस तूफानी जीत में तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने 17 रन देकर सर्वाधिक 6 विकेट झटके, जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड के हिस्से 4 विकेट 19 रन देकर आए। इससे पहले इंग्लैंड की दूसरी पारी गुरुवार के स्कोर 303 पर सिमट गई थी, जिससे आयरलैंड पर इंग्लैंड को 181 रन की बढ़त हासिल। कल पूरे देश में करगिल विजय दिवस मनाया गया। देश भर के लोग इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, वहीं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी पीछे नहीं रही। आज के भारत कुमार कहे जाने वाले एक्टर अक्षय कुमार ने ट्विटर पर जवानों की वीरता को सलाम किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, हम अपने जवानों को नहीं भूल सकते, जिनकी हिम्मत और बहादुरी हमें दिनों दिन चैन से रहने देती है। संजू बाबा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर करगिल के बहादुर जवानों को उनकी वीरता के लिए याद किया। उन्होंने लिखा, मैं हमारे वीर जवानों को सलाम करता हूं, जिन्होंने करगिल युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ाई लड़ी। आपके बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। जय हिंद। मयूरी के एक्टर विक्की कौशल ने भी करगिल विजय दिवस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वास्तविक नायकों के साहस और बलिदान को याद कर रहा हूं। सलाम, जय हिंद। बिग बॉस 12 से लाइमलाइट में आई सोमी खान के लाइव शो के बाद काफी बदल गई है। शो के खत्म होने के बाद से ही सोमी लगातार मीडिया में एक्टिव रही है। सोमी के फैंस के लिए गुड न्यूज है। खबरों के माने तो सोमी जल्दी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। सोमी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज न्याय द जस्टिस कॉल में एक अहम रोल निभाते हुए नजर आएंगे। इस वेब सीरीज में सोमी की एक विक्टिम का किरदार निभाते हुए दिखेंगी। इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है और सोमी इसे लेकर काफी एक्साइटेड है। हालांकि सोमी ने अभी इस बारे में कुछ भी ऑफिशियल नहीं किया। बॉलीवुड के संजू बाबा एक्टर संजय दत्त अपना 60वां जन्मदिन मनाने के लिए तैयार है। खबरों के माने तो संजय दत्त अपने जन्मदिन पर फैंस को भी तोहफा देने वाले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो संजय अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म प्रस्थानम का ट्रेलर अपने जन्मदिन यानी 29 जुलाई के दिन रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।